सैनिकों, जानती हो तुम्हें किसने भेजा है? जानती हो तो चलो हमारे साथ। यदि अपने प्राण प्रिय हैं, तो जाओ यहाँ से और जाकर कह दो अपने अधर्मी असुर स्वामी से कि यदि सच में वो मुझसे विवाह करना चाहता है तो स्वयं यहाँ आए और पराजित करे मुझे युद्ध में। लगता है तुझे अपना प्राण प्रिय नहीं है, इसलिए तो ऐसी अनर्गल बातें कर रही है। स्त्री, तेरे लिए तो हम ही काफी हैं। देवी कौशिकी, मुझे मेरा कार्य बताइए। जाओ, जाकर दुष्टों का संहार करो कार्य, भक्षण करो सबका, रक्तपान करो। तुमने चंडमुंड को मारा है, इसलिए आज से तुम संसार में चामुंडा के नाम से पूजी और जानी जाओगी। मैं रक्त बीज हूं काली, तुम मुझे नहीं मार सकती। मुझे वरदान प्राप्त है, धरती पर गिरने वाली मेरी रक्त की हर एक बूंद से एक रक्त बीज का जन्म। Jump!
यदि काली को शांत नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। इस संपूर्ण संसार को अपने क्रोध से काली मिटा देगी, सर्वनाश हो जाएगा काली के क्रोध से समस्त संसार का। ब्रह्मदेव, इन्हें शांत करने का उपाय क्या है? मित्र, आपके काली स्वरूप को किसने शांत किया था? महादेव ने मेरे काली के उस रौद्र रूप को सहने और शांत करने की क्षमता केवल महादेव में है। केवल महादेव ही हैं जो काली के उस रौद्र रूप को शांत कर सकते हैं। कैसे शांत हुई काली? तब मेरे उस उग्र स्वरूप का आभास पाकर महादेव वहां उपस्थित हुए। मुझे भक्षण करने के लिए आ जाइए। देवी काली, शांत हो जाओ। मुझे भक्षण करने के लिए आ जाइए। शांत हो जाओ देवी काली। अब क्या होगा? काली ने तो महादेव की पुकार भी नहीं सुनी। अब तुम्हें रोकने का एक ही मार्ग है प्रिय। और इस प्रकार महादेव की सूझ से देवी काली शांत हो गई और प्रलय भी शांत हो गई। तात्पर्य, संसार से संकट के सारे मेघ छट गए? नहीं मित्र, शुंभ निशुंभ से देवी कौशिकी का अंतिम युद्ध अभी बाकी था। ये कैसे संभव है निशुंभ कि एक स्त्री हमारे सेनापतियों का काल बन जाए? भ्राता, ये निश्चित ही देवताओं की कोई चाल है, अन्यथा एक स्त्री में इतना बल और साहस कहां जो शुंभ और निशुंभ के सेनापतियों को नष्ट कर सके। तो अब चाहे जो हो, हमें अपने सेनापतियों के बलिदान और अपने अपमान का प्रतिशोध उस स्त्री से लेना ही होगा। युद्ध के लिए प्रस्थान करो। दंड के लिए तैयार हो जाओ स्त्री। वापस लौट जा, अन्यथा तेरा भी वध कर दूंगी। बस कर वचन स्त्री, अब तुझको मुझे मारना ही होगा। शुम निशुम, भ्रम अपने मन से निकाल दो। तुम्हारी शक्तियां मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि संसार की समस्त शक्तियां मेरा ही अंश है। मेरी ही शक्ति से संसार चलायमान है, मेरी ही शक्ति से तू गतिमान है, और जो मेरा ही अंश है वो मुझ समग्र को पराजित करने चला है। बंद कर अपनी जीवा, और साहस है तो सामना कर हमारा, युद्ध कर हमसे।
माता कौशिकी की, माता कौशिकी की, माता कौशिकी की। ये कथा मुझे बहुत अच्छी लगी मित्र। जो नारी का सम्मान ना करे उसे दंड मिलना ही चाहिए। नारी पूजनीय होती है, नारी का अपमान कदापि सहनीय नहीं। मैंने अपनी माता से यही सीखा है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवी देवता का वास होता है और वह स्थान स्वर्ग समान बन जाता है। ये भूकंपन कैसा मित्र? इस बार प्रलय निष्फल नहीं होगी माता, क्योंकि इस बार मैंने अपनी शक्ति इस प्रलय में मिला दी है। इस संसार को मिटने से कोई नहीं बचा सकता। अब होगा नया संसार, नए संसार का नया ईश्वर, और नए ईश्वर के नए नियम। इस समस्या का समाधान भी संभवतः मेरे ध्यान में जाने के बाद ही निकलेगा मित्र। संभावना नहीं है मित्र, सत्य है, सुनिश्चित है। आप चाहें ध्यान में। देवी मातंगी, इस संकट को आपका कौशिकी रूप ही हर सकता है, इसीलिए अपने कौशिकी रूप को प्रकट करें। क्या हो रहा है माता, ये कैसे संभव है? ये वही बालशिव और पार्वती हैं भ्राता, जो इस बार भी आपके मार्ग में व्यवधान बनकर आए हैं। इस बार भी इन्होंने आपको परास्त कर दिया, फिर से वही शून्य। ये क्या हो रहा है तारका? हम अंतरिक्ष में बहुत दूर जा रहे हैं माता, इतनी दूर जहां से वापस आना संभव तो नहीं, किंतु आने में बहुत समय लगेगा। आपके स्वप्न का क्या होगा भ्राता? पूरा करूंगा अपना स्वप्न, अवश्य पूरा करूंगा, हर हाल में पूरा करूंगा, हर हाल में।
कोई कोलाहल नहीं है मित्र, चारों ओर शांति, और ये शांति प्रमाण संकट के शमन का। हाँ मित्र, आपके ध्यान के कारण संकट टल गया। ये क्या मित्र, आपके कंगन का रंग धूमिल क्यों होने लगा? ये 10वीं प्रलय का संकेत है। कैसी समझा आपने? श्री का लुप्त होना 10वीं प्रलय का आरंभ है। श्री के लुप्त होने का क्या अर्थ है मैं? सुख का लोप हो जाना, दुख का बढ़ जाना। श्री ही संसार को सुखी बनाता है, कांति में बनाता है। यदि कांति मिट गई तो धन संपदा विद्या वैभव सब व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए संपूर्ण संसार को श्री युक्त होना अत्यंत अनिवार्य है। और तभी एक समय मैंने संसार को श्री युक्त बनाने के लिए महाविद्या कमला का रूप प्रकट किया था। अर्थात संसार को श्री युक्त रखने वाली महाविद्या है। हाँ मित्र, यही 10वीं और अंतिम महाविद्या कमला महाविद्या है। तब तो इनके साथ भी महादेव होंगे। बिना महादेव के कोई भी महाविद्या प्रभावी और फलदायी नहीं है मित्र। तो कमला महाविद्या के साथ महादेव किस रूप में साथ रहते हैं मित्र? सदाशिव रूप में। महाविद्या के 9 स्वरूपों से संसार के सभी संकट मिट चुके थे, परंतु श्री के हीन होने से संसार अभी अधूरा था। और उसे अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए महाविद्या कमला का आपने स्वरूप प्रकट किया है ना मित्र? हाँ मित्र, बिल्कुल सत्य समझा आपने। उनका स्वरूप बहुत मनमोहक होगा, बताइए ना उनका स्वरूप मित्र? चार भुजाधारी स्वरूप वाली है देवी कमला। ऊपर के दोनों हाथों में कमल के पुष्प है, एक हाथ भरत मुद्रा में है तो दूसरा हाथ श्री और धन देने की मुद्रा में। इनके अवतरण से पहले संपूर्ण संसार कांतिहीन था, और आज संपूर्ण संसार कांतिहीन हो रहा है। संसार से श्री लुप्त हो रहा है। संसार श्रीहीन ना हो सके इसके लिए मुझे अविलंब ध्यान में जाना होगा मित्र। हाँ मित्र, आपको ध्यान में जाना ही होगा। आपका गंगन चमकने लगा। लगता है कांति वापस लौट आई, संसार श्रीहीन होने से बच गया। हाँ मित्र, परंतु बिना आपके साथ के ये संभव नहीं था मित्र। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए मित्र, अब घर वापस चलते हैं। मुझे अपनी माँ को देखे बहुत दिन हो गए, उनकी बहुत याद आ रही है। अब मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकूंगा। Thank you.
जानती है मित्र, माँ के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। उनके आशीर्वाद का ही ये सुफल है। अब शीघ्र चलिए मित्र, मुझे जाकर अपनी माँ को सब बताना है। आप बोल क्यों नहीं रही मित्र? मित्र कहां तक ध्यान हो गई मित्रा?